चैनल और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गूगल एडसेंस के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली मेरा जो $100 है वो कंप्लीट हो गया यूट्यूब के थ्रू, और जो एडसेंस है उसमें मेरा $100 होने के बाद मुझे जो पेमेंट है वो मिल गया। ओके, और मैं आपको पहले बता दूँ कि जो यूट्यूब से अगर आपको पेमेंट चाहिए तो आपके उसमें एटलीस्ट $100 बनने चाहिए। तो पर मंथ मेरा अभी इस चैनल से उतना नहीं बन रहा है, मेरा पर मंथ एटलीस्ट $7-$9 ऐसे पर मंथ बनता है। तो 6-7 months का जो कलेक्शन है वो करके ये जो मेरा जो टोटल अमाउंट हो गया $100 क्रॉस किया वो करके फिर मेरे जो अकाउंट है अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया। ओके, तो वो एक अलग चीज़ है कि आप एडसेंस में अकाउंट कैसे बनाते हो। एडसेंस बनाने के बाद आपको लिंक करना पड़ेगा आपका जो चैनल है, चैनल को आपको लिंक करना पड़ेगा आपके एडसेंस के साथ में। तो जो भी आपका पर डे का जो भी व्यूज़ आ रहे हैं और उसमें जो एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो जा करके एडसेंस में आपका बनता चला जाएगा। ओके, और पर मंथ जो भी आपका है वो धीरे धीरे करके उस पर इंक्रीज़ होगा, लास्ट मंथ का उस पर ऐड होता जाएगा और आपका जो फाइनल है वो $100 क्रॉस होने के बाद आ जाएगा। तो जो थ्रेशहोल्ड जो अमाउंट है YouTube का और AdSense का हम लोग बोल सकते हैं वो $100 है, कि $100 पूरे कंप्लीट होने के बाद ही आपका आ जाता है। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें अगर रुपीज़ में तो 6500 के अप्रॉक्स वो बन करके आता है और वो अमाउंट फिर आ जाता है आपके पास में। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा सिंगल चैनल नहीं है, मेरा एक और भी चैनल है जो टॉप 10 करके एक चैनल है मेरा, तो उसमें मैं टॉप 10 वीडियोस भी बनाता हूं। तो उसके थ्रू भी मुझे दोनों को मिला करके जो एडसेंस होता है, एडसेंस में हम लोग बहुत सारे चैनल्स को लिंक कर सकते हैं उसके साथ में, तो सारे के जो पैसे होते हैं वो एडसेंस के थ्रू जाते हैं। तो एक जो सिंगल आदमी होता है या फिर सिंगल पर्सन होता है उसका एक ही एडसेंस अकाउंट होता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा चैनल्स हैं तो सबको आप उसके साथ लिंक कर सकते हो, तो दोनों का मिला करके मुझे जो अमाउंट है दोनों उसी पे बनता है और फिर वो मुझे पेमेंट मिलता है। ओके, तो दोनों को मिला करके फाइनली $100 हो गया और मुझे ये मिल गया। और अब ये सवाल उठता है कि 1000 views अगर आपके होते हैं, अगर 1000 views आपके हो जाते हैं तो आपको कितना डॉलर मिलता है। तो 1000 views होने पर आपको $1 मिलता है, बट अभी नहीं, अगर आपका चैनल अगर नया है तो आपको 4000 या 5000। अभी मुझे क्या है कि ये चैनल जो है इससे मुझे म्यूजिक वाले चैनल उससे मुझे 5000 views होने पे $1 मिलता है। ओके, अगर आपका चैनल नया है तो आपको 5000 views पे $1 या 4000 views पे $1 मिलेगा। अगर आपका चैनल धीरे धीरे पुराना होता जाता है, 2-3 साल पुराना ऐसा हो जाता है, या फिर आपका जो व्यूज़ है वो ज़्यादा आ रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो एड्स है वो भी ज़्यादा आ रहा है, आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, तो आपको क्या होता है कि धीरे धीरे करके आपका जैसे चैनल ओल्ड होता जाता है आपको ज़्यादा मिलने लगता है। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको 1000 views पे $1 मिल जाता है। ओके, तो ये डिपेंड करता है आपका कितना ग्रो हो रहा है चैनल और आपका चैनल कितना पॉपुलर है। अगर हम लोग टेक्निकल गुरुजी की बात करें, बीबी की वाइंस की बात करें, कैरी मिनाटी की बात करें, ओके, तो इनका जो भी है वो 1000 views पे ऐसे करके उनको $1 तक ऐसे मिल जाता है। बट जो नए यूट्यूबर्स हैं जिनके 2000-3000 सब्सक्राइबर्स हैं अभी, ओके, तो उन्हें क्या होता है कि 5000 views तक में $1 ऐसे करके मिलता है। तो ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और आप भी अगर YouTube चैनल बना रहे हो या फिर बनाने की सोच रहे हो तो आप जल्दी जल्दी बना करके और पोस्ट कर सकते हो और जो इनकम है इनकम आप जनरेट कर सकते हो। बट अभी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गया कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 मिनट्स जो है उसका उतना वॉच टाइम होना चाहिए आपका, तभी जा करके आपको जो आपका मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें तो मेरे क्रॉस कर गए थे, तो बाकी इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना सब्सक्राइबर ला रहे हो या फिर कितना व्यूज़ ला रहे हो, कितना मिनट्स वॉच कर रहे हो। आपका बस यही होना चाहिए कि आप अपने पैशन को फॉलो करो और अपना जो वीडियोस है उसको रेगुलर बनाते जाओ, तो ये जो चीज़ें ही आसानी से क्रॉस कर जाएगी। 1000-2000 जो सब्सक्राइबर्स होते कुछ नहीं होते, ओके, या फिर 4000 जो व्यूज़ होते वो कुछ भी नहीं होते। जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें भी अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते थोड़े बहुत, ओके, तो दोनों में मेरे जो ये कंडीशंस था ये दोनों क्रॉस कर गया। मेरा 20 फेब तक ये करना था, दोनों क्रॉस कर गया और दोनों से मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन है और उससे जो इनकम है वो हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, आप भी वीडियोस बना सकते हो और जो आपका इनकम है इनकम आप जनरेट कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।